पकठौल में मेला के अंतिम दिन भगवान श्री कृष्ण की दर्शन को लेकर श्रद्धालुओं में दिखा भारी उत्साह। बेगूसराय के तेघरा प्रखंड अंतर्गत उत्तर तेघरा के चार पंचायतों का एकमात्र पकठौल चौक अवस्थित मेला मंडप क्षेत्रों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दो साल बाद इस बार बड़ी धूमधाम से मेला मनाएगी। मेला के अंतिम दिन मंगलवार को मेला मंडप में भगवान श्री कृष्ण की दर्शनों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के हजारों लोगों का भीड़ से पकठौल मेला मंडप एवं पूरे परिक्षेत्र पटा हुआ दिखा। गाँवों एवं कस्बों से पहुँची महिलाएँ सिर पर पल्लू उठाए छोटे बच्चे को लेकर गोद में चिपकाई दिखी, तो कहीं कहीं छोटे छोटे बच्चों को हाथ पकड़कर मेला में घूमती नजर आई। उधर मेला में खरीदारी तेज होने से दुकानदारों के चेहरे खिल उठे। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा समिति पकठौल के अध्यक्ष सुरेश प्रसाद सिंह, सचिव रवि कुमार एवं कोषाध्यक्ष गौरव कुमार पंडित तथा उप कोषाध्यक्ष मोहम्मद आलम ने बताया कि पकठौल चौक के सभी दुकानदारों एवं चारों पंचायत के बुद्धिजीवियों के सहयोग से वर्ष 2018 से श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस बार भी ऐतिहासिक 5 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी मेला का आयोजन भगवान के जन्म के उपरांत शुरू की गई। जिस मेला परिक्षेत्र में उत्तर तेघरा के अलावे बीरपुर प्रखंड एवं भगवानपुर प्रखंड से हजारों श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन को पधारे थे। मेला समिति द्वारा श्रद्धालुओं के लिए मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए मीना बाजार एवं अन्य संबंधी झूले के साथ साइकिलों तैराकी दुकान एवं प्रत्येक दिन रात्रि में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजन किया गया। दर्शकों की संबंधित सभी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए मेला में भव्य व्यवस्था की गई। मेला में पुलिस प्रशासन की कड़ी व्यवस्था की गई। इस बार मेला में मनोरंजन के लिए भी बहुत सारे संसाधन आए थे, वही भारी संख्या में दुकानें भी सजाई गई थी। मेला को सफल बनाने के लिए मेला संचालक में उप सचिव गौतम कुमार, व्यवस्थापक प्रवीण कुमार गुप्ता, उपेंद्र महतो, दिलीप पोद्दार, राजेंद्र ठाकुर, नवल सानी, मनोहर चौधरी के अलावे अन्य लोगों महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तेघरा से अशोक कुमार ठाकुर की रिपोर्ट।